इतने सारे स्मार्टफोन सर्कुलर डिजाइन में आते हैं, पर एक बजट स्मार्टफोन भी आया है। कैमरा में बहुत सारे कंपनी के स्मार्टफोन आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन प्राइस बहुत हाई होते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको बजट सेगमेंट में आने वाला है। सो ये कौन से स्मार्टफोन है जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल कर दीजिए। आइए बात करते हैं इस स्मार्टफोन में क्या खास है जो कि बहुत ही चर्चा में है। सबसे पहले तो बता दूं, इस स्मार्टफोन में आपको 5G मिल जाएगा, साथ ही बता दो डुअल सिम 5G के साथ साथ ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस के साथ आता है। LPDDR4X 2.6 nm प्रोसेसर के साथ ही जिसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। साथ ही बता दो इसमें डिस्प्ले क्वालिटी 6.72 इंच का HD प्लस IPS LCD 120Hz रिफ्रेश के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप धूप वगैरह में जाते हैं दिख तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन 5G के साथ साथ आपको बता दूं 9 बैंड का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है आप कह सकते हैं। और ये स्मार्टफोन का डिजाइन की बात करें तो बैक साइड आपको मेटल फिनिश के जैसा दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में है पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बॉडी के साथ ये डिजाइन किया गया है। साथ ही बता दूं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैमरा सेटअप की डुअल मेगापिक्सल के साथ में आपको, यानी डुअल सेटअप 50 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल का, जैसा कि मैंने बताया इस स्मार्टफोन गेमिंग के लिए आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दूं इसमें आपको बैटरी बैकअप की 5000 mAh का बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ पर आपको टाइप सी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये वाले स्मार्टफोन में आपको क्या खास है। सबसे पहले तो बता दूं कलर में 2 कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरे है अपडेट्स को लेकर के अंदर 2 साल का OS अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दूं इसमें आपको प्रीलोडेड मिल जाता है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। साथ ही बता दूं यहाँ पर डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो आपको मैंने बताया IPS LCD एंड यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमरे को लेकर के सर्कुलर डिजाइन आपको देखने आ रहा होगा राउंड शेप का, जो कि बहुत सारे कंपनी का पहले से दे रखी है। जैसा कि मैं नाम लेता हूँ 2-4 कंपनी का जो कि बहुत महंगे आते हैं, जैसे हुआई नोट 50 प्रो, वीवो X90 प्रो, ऑनर मैजिक 5 प्रो, फाइंड X6 प्रो, इस तरह का बहुत सारे कंपनी है। कम प्राइस में भी आप देख सकते हैं रियलमी 11X प्रो, नार्जो 60X, इस तरह का बहुत सारे कंपनी कम प्राइस में भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपको बता दूं इन्फिनिक्स नोट 12 और भी बहुत सारे हैं, आईपीएल S23 इस तरह का स्मार्टफोन है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है बजट सेगमेंट में 5G आ रहा है, और इस स्मार्टफोन का नाम आपको बता दूं है रियलमी C67 और इसका प्राइस मार्केट के ऊपर 15,000 से कम है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये स्मार्टफोन यानी रियलमी C67 15,000 के कम रेंज में डुअल बैंड 5G के साथ साथ डुअल 5G स्लॉट ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय जय।